हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम भर्ती 2021 जो थी, तो उससे रिलेटेड उसका रिजल्ट कब तक आएगा और क्या रहेगी इसमें होने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी लास्ट डेट थी डीवी की, वो थी आपकी कितनी, 18 जून। और 18 जून तक का आप लोगों का डीवी की जो डेट थी उसमें आप सभी लोगों ने अपना डीवी करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, और जो लोग छूटे हुए थे उनका लास्ट डेट 18 को डीवी हुआ। और सभी लोगों ने पूरे कोशिश की कि उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे अच्छे से उन्होंने तैयार करने की कोशिश की और अच्छे से उनका डीवी हुआ। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा था कि कुछ मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट का था, तो कुछ लोगों के पास पिता पक्ष का नहीं था, तो उन्होंने पति पक्ष का जमा करवाया, सबमिट करवाया, और उन्होंने सबमिट भी कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जो पति पक्ष और पिता पक्ष दोनों का कास्ट सर्टिफिकेट लिया गया। तो कुछ मैटर को छोड़ के बाकी अगर जिन लोगों का वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ लोगों को छोड़कर उसे सफल माना जाएगा। बस ऐसे लोग थे विशेषकर उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जिनका यूपी स्टेट फैकल्टी में जो मिडवाइफ एंड नर्सिंग काउंसिल है उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन डेट 5 जनवरी 2022 के बाद का है, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और अदरवाइज भी जितने लोग हैं उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका डीवी एक तरीके से क्या होगा कि आप उन लोगों का डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सफल माना जाएगा। और इसमें टोटल कितने थे, 17,200 समथिंग जो थे एप्लीकेंट्स थे जिनको जिनको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है लेटर आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें से मान के चलिए कि अब 17,200 में से कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी करवाया और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके साथ सपोज दैट किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ, उन लोगों ने भी अपना एग्ज़ाम दे दिया था और इन्फॉर्मेशन भी गलत भर दी थी जिसके आधार पर, लेकिन उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि जिन लोगों ने एएनएम नहीं किया हुआ है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो असफल हो गई। और कुल मिला के ये मान के चलिए कि जो संख्या थी वो काफ़ी कम हुई है, ठीक है, काफ़ी कम हुई है। और उसके बेसिस पे अगर ये देखा जाए तो जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतम हुआ है उनके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बनते हैं, ठीक है। तो इस समय आयोग में इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और जूनियर असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट आ चुका है और इसके बाद इस रिज़ल्ट के ही आने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ये मान के चलिए मैंने जैसे कि अपने थंबनेल में बताया कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इसके रिज़ल्ट आने की जो डेट है वो लगभग 30 जून है, ठीक है। 30 जून के अंदर, आज 22 तारीख है और 20 तारीख है, 10 दिन के अंदर क्या है ये रिज़ल्ट हर हाल में 30 से 30 से पहले 28 तक हर हाल में ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी एनएम भर्ती 2021 का रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा 28 से 30 जून तक का, हर हाल में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं और जो भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं तो इनको पूरा करने का पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के जो केसेस हैं वो अभी तक कम ज़रूर हुए हैं लेकिन ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, तो मोस्टली इस वैकेंसी को इसलिए और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जो कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है एनएम सिस्टर्स के बिना क्या होता है पूरा नहीं हो सकता, तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है
एनएम सिस्टर्स की, इसलिए इसको विशेष तौर पे इस वैकेंसीज को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसमें कि इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। तो जनरल ओबीसी एससी और एसटी का कट ऑफ हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, 42 से 45। ठीक है, यानी कि 42 से 45 के बीच में अगर जिसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको टोटल मार्क्स आ रहे हैं तो उनके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी चांसेस बन जाते हैं जिनके पास क्या है, संविदा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो कि पहले से नर्सेस काम कर रही हैं और एक्सपीरियंस लेटर उन्होंने लगाया हुआ है, तो उनका लाभ उन्हें कंफर्म उनका लाभ उन्हें उनको मिलेगा। ठीक है, और बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहती है वो जनरल के बिल्कुल 1-2 नंबर कम या कम रहती है। ठीक है, तो मान के चले कि ओबीसी में अगर जिसके 38 से 40 मार्क्स बनते हैं तो उन लोगों का सिलेक्शन होने की पूरे पूरे चांसेस हैं, और कंपटीशन काफ़ी कम है का, और वैकेंसीज भी आपकी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसीज आपकी 9212 हैं, और काफ़ी कम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें भी काफ़ी कुछ भर्ती छट गए हैं, कम हुए हैं, तो आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं 38 और 40 के बीच में। और बात करें हम एससी की, तो एससी में 30 से 35 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों की काफ़ी उम्मीद है सफल होने की। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति की, इनके मार्क्स कितने होने चाहिए, 25 से 27 के बीच में। अगर 25 से 27 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो इनके सफल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन में आते हैं तो उनके लिए है 35 से 38, यानी 35 से 38 के बीच में लोगों के अगर मार्क्स आ रहे हैं, कंप्लीट हो रही है मेरिट, तो इनके चांसेस हैं, और इनको कितना 10% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, एक अनुमानित कट ऑफ रहेगी। आप कोई भी क्लियर नहीं बता सकता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए, टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे, टोटल सीटें कितनी थी, कितने लोगों ने डीवी दिया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताया जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अनुमानित कट ऑफ है, और बिल्कुल कंफर्म आपका जब रिजल्ट आएगा तब होगा। ठीक है, और काफ़ी हद तक आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस भर्ती से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।